तो भाई आज इसका मशीन से वॉश करने वाले हैं भाई। 4-4 टन का 2 मशीन है और एक उस साइड को है। तो चलो एक बार जेट पंप को दिखा देते हैं जिससे हम लोग इसे वॉश करने वाले हैं बढ़िया तरीके से। तो देख सकते हो ये रहा वो मशीन, काफ़ी पावरफुल है। इससे क्या होता है, थोड़ा सर्विस करना आसान हो जाता है और वॉश भी काफ़ी बढ़िया से हो जाता है। इसको भी सर्विस करना है। इधर भाई सर्विस कर लेते हैं। तो ये बोस का हमने जेट पंप ले रखा है जिससे सर्विस काफ़ी अच्छा होता है भाई। तो अभी इस मशीन को कर लिए ऊपर चढ़ के एक बार बैक साइड से करेंगे तो काफ़ी बढ़िया से हो जाएगा। जेट पंप से सर्विस करने का कारण हो जाता है कि बढ़िया से क्या बोलते हैं मतलब सफ़ा हो जाता है। आपको कवर वगैरह खोलने का जरूरी नहीं और बढ़िया से कंडक्टिव कॉइल वगैरह सब सफ़ा हो जाता है। तो बस कर रहे हैं, देख लो सामने बोस का जेट पंप है अपने पास और 2 मशीन इधर है, 1 मशीन और उधर है। टोटल 3 मशीन है यहाँ पे, 12 टन मतलब की है तीनों मिला के। तो 12 टन में जो जगह है वो हो जाता है काफ़ी। मैं अंदर भी चल के इंडोर भी दिखा दूंगा जो कैसेट एसी है, अंदर की तरफ कैसेट एसी को लगाया गया है मतलब कि फुल सेलिंग एसी जिसको बोल सकते हो आप, वो लगा हुआ है। तो बस इसको चलते हैं सर्विस करते हैं। अभी तक आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को घंटी जरूर दबा दो क्योंकि मेरे चैनल पर इसी प्रकार का वीडियो आता ही रहता है। तो मैं खुद से आपके लिए सर्विस करके दिखा रहा हूँ कि सर्विस आखिर होता किस तरह से जेट पंप से। मैं इसको सर्विस कर रहे हैं और जेट पंप होने से होता है सर्विस काफ़ी आसान हो जाता है। कितना आप बाल्टी लेकर कितना पानी मारोगे, तो उससे अच्छा है कि एक जेट पंप रखो। और वो जो छोटा छोटा जेट पंप दिखाता है वो चलता तो है नहीं, पता नहीं क्यों नहीं चलता है। मैंने पहले भी ले रखा था, उससे मुझे ज़्यादा अच्छा मुझे नहीं लगा। तो बाद में मैंने बॉस का एक 9,000 साढ़े 9,000 10,000 के आसपास का एक जेट पंप ले लिया। तो देख लो पूरा क्लीन हो गया हुआ है एकदम चकाचक, टेंशन नहीं है अब। और वो भी पूरा क्लीन हो गया भाई, पूरा देख सकते हो। थोड़ा बहुत वो जो दागी है वो सब पेंट का दागी है। तो अभी इसमें इसका इसमें भी जंग लग गया हुआ है भाई, लेकिन चलेगा। अभी सिर्फ पेंट उड़ा हुआ है, तो जब पेंट होगा तो पेंट करवा देंगे इसको। इधर से भी देख लो कंडेंसिंग कॉइल को पूरा। और देख लो भाई मैं कहाँ खड़ा हूँ, यहाँ पर खड़ा हूँ भाई। देख लो ये दीवार है भाई, इस पर खड़ा होकर करना पड़ रहा है। हालाँकि सीढ़ी लगा सकता हो रहा अपना जेट पंप जो कि सामने दिख रहा होगा, देखो यहाँ लगा हुआ है। हालांकि थोड़ा बहुत पानी पड़ रहा है लेकिन उतना भी दिक्कत नहीं होता है पानी वगैरह पड़ने से। इसका काफ़ी बड़ा बड़ा गन आता है तो मैंने छोटा गन लिया हुआ है ताकि कहीं भी घुस जाए ये वाला गन को। एक मशीन देख लो यहाँ पे है, तो इसको भी अभी सर्विस करना है। मशीन को दूसरा रास्ते से ले आना होगा क्योंकि इधर आने का जगह नहीं है। क्योंकि यहाँ पर देख लो भाई एक कटीले तार है लगे हुए हैं और मुझे इस मशीन को सर्विस करना है, तो काफ़ी ये भी गंदा हो गया हुआ है। और बस भाई मैं यहाँ पर हूँ और सर्विस करने के वेट कर रहा हूँ सुंदर का जो हमारे साथ है उसका। तो आए तो फिर मशीन लेकर इसको सर्विस कर दे एक बार। तो तीनों एसी अपना कंप्लीट हो जाएगा। इंडोर का मैंने पहले ही सर्विस कर रखा है लेकिन उसे भी आपको दिखा दूंगा। तो कितना गंदा हुआ है देख सकते हो, यहाँ पे पूरा गंदगी से भरा हुआ है। तो जेट पंप से क्या होता है कि पूरा गंदगी है जो दाग दाग दिख रहा है ना पूरा क्लीन हो जाता है भाई। तो आप भी एक जेट पंप रखो और इस तरीके से सर्विस करो। तो पहले आने देते हैं उसको, फिर इसको सर्विस करते हैं भाई। मशीन और पाइप लगाना होगा फिर से। देख लो भाई कहाँ मैं फंस गया। Thank you.
भाई मेरे एसी को कर लिया हमने ऑन और रिमोट है चलते हैं। यहाँ से दो एसी चलता है और एक एसी शायद दूसरे जगह से चलेगा, इसको भी उठाते हैं। दो एसी चालू हो गया, अब अपने को तीसरा पे ध्यान देना है भाई। थर्ड एसी उधर है, एक एसी अपना इधर है, एक एसी इधर है और एक एसी उधर है। सकते हो तीनों एसी चल गया भाई, 17-17 पे चल रहा है, वो भी एसी चल रहा है। किधर गया देख लो, ये भी एसी चल रहा है 17 पे और किधर एक है उधर, वो भी एसी चल रहा है। तो ऑर्डर को एक बार चेक कर लेंगे, कर लेते हैं मशीन सब चल रहा है कि नहीं। देख लो मशीन चल रहा है और अजान का टाइम है तो अजान को सुनते हैं। इसी के साथ वीडियो को करते हैं एंड, मिलते हैं किसी और वीडियो में। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।